हाय दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टेस्टिकल प्रॉब्लम के बारे में। कल मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ योगा बताया था जिसको करने से आप टेस्टिकल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जिन लोगों को भी टेस्टिकल प्रॉब्लम है उनको कैसा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जितने भी लोग इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या औरत हो या मर्द हो या कोई भी हो, आप लोग पानी पीने में कभी भी कंजूसी ना करें। मैं पर्सनली भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं जब भी उनसे उनका लाइफ स्टाइल के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि सही इलाज करने के लिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या खाते हैं, कब पीते हैं, कब उठते हैं। ऐसा करने से मुझे आपका बीमारी का कारण पता चलेगा, तब जाके मैं उसका सही इलाज कर पाऊंगा। मैं अधिकतर केस में ऐसा देखता हूँ कि लोग पानी ठीक से पीते ही नहीं है। इतना तो हम लोग क्लास वन से ही सुनते आए हैं या बचपन से ही मम्मी दादा दादा के मुंह से सुनते आए हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग पानी पीने में कंजूसी करते हैं। कितने सारे लोगों को आलस लगता है, आप ही में से कितने सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पूरा दिन में यानी कि 24 घंटा में सिर्फ 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं। तो मेरा सबसे पहला टिप्स यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्टिकल प्रॉब्लम ना हो, और बात सिर्फ टेस्टिकल प्रॉब्लम का नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बीमारी ना हो, तो आप लोग पानी पीने में कंजूसी कभी भी ना करें। एक दिन में आपको 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और इस वक्त जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, खास करके वो लोग जिनको टेस्टिकल प्रॉब्लम पहले से हो गया है, अगर आप 9 गिलास भी पानी पीते हैं एक दिन में तो आपके लिए अच्छा होगा। मैंने पानी पीने के लिए इसलिए कहा है कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, टेस्टिकल प्रॉब्लम होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आपका टेस्टिकल गर्म हो जाता है। टेस्टिकल का टेम्परेचर हमेशा कूल रखना चाहिए। टेस्टिकल में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तब वो आस्ते आस्ते प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब वो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन घुमा फिरा के कारण यही है कि आपका टेस्टिकल में गर्मी ज्यादा हो गया है। तो पानी जब आप ज्यादा पियेंगे आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा और आपका टेस्टिकल का टेम्परेचर भी कूल रहेगा। अब दूसरा बात करते हैं, आज के टाइम पे हम लोग डीप फ्राई फूड ज्यादा खाते हैं या तो तेल मसाला वाला चीज ज्यादा खाते हैं, और कुछ लोग तो मिर्चा इतना पसंद करते हैं कि खाने के साथ 3-4 मिर्चा अलग से लेके खाते हैं। अगर आपको टेस्टिकल प्रॉब्लम हो गया है या अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापा में आपके शरीर में या आपके पेट में कोई भी गर्मी वाला प्रॉब्लम ना हो, तो आप तेल घी मसाला चटपटा चीज ये सब कम खाया कीजिए। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आपको खाना ही है, तो आप सुबह में खाया कीजिए, शाम में ना खाया कीजिए। तीसरा टिप्स ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बीमारी होने लगती है उम्र होते होते, जैसे कि कुछ लोगों को टेस्टिकल में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों का पेट खराब रहता है, कुछ लोगों का पेट अपसेट रहता है, और पेट का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के साथ है। ऐसा कहते हैं कि जिसका पेट साफ होता है उसका दिमाग अच्छा चलता है। अगर आपके पेट में कोई भी बीमारी हो जाए, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आज तक आप में से सभी लोगों को कभी ना कभी लूज मोशन हुआ ही होगा, कभी ना कभी आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा हुआ ही होगा। उस टाइम आपका मूड कैसा होता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, मूड बहुत चिड़चिड़ा लगता है, कभी कभी शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, दिमाग एकदम खराब हो जाता है, कभी कभी सर दर्द होने लगता है। तो पेट का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के साथ भी है। पेट अच्छा करने के लिए बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा खाना तो खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो कभी दारू शराब सिगरेट फास्ट फूड कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, खास करके कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे का आप लोग कारण जानते हैं? जो लोग तेल घी मसाला कुछ भी नहीं खाता है, कोई भी आलतू फालतू खाना नहीं खाता है, फिर भी ऐसे लोगों को पेट की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे शरीर के हिसाब से हम लोगों को खाना खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तभी तो पॉटी बनेगा ना। कुछ लोग अपने शरीर के हिसाब से बहुत कम खाना खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत गैपिंग में खाना खाते हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता किया, अब डायरेक्ट 4 बजे खाना खाएंगे। अगर आप ऐसे खाना खाएंगे या बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाएंगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका पेट बिल्कुल सही रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप टाइम पे खाना खा लिया कीजिए। और पेट को सही रखने के लिए, अपना आंत को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा होगा कि
आप लोग फाइबर वाला फूड खाएं। वैसे तो फाइबर फूड क्या होता है ये आप में से कुछ लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो आप गूगल में अभी इसी वक्त सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारे लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने तरफ से एक बहुत ही आसान चीज का नाम लेता हूँ जो कि सभी देश में मिलता है, सभी के घर में, सभी के बाजार के आसपास बहुत ही आसानी से मिलता है और इसका दाम भी बहुत कम होता है और इसको खाने में कोई झमेला भी नहीं होता है। आप डेली 2 पीस केला खाया कीजिए। 2 पीस केला खाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और खास करके जितने भी लोग इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको टेस्टिकल प्रॉब्लम पहले से हो गया है या जिनको पेट में प्रॉब्लम है या जिनका शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहता है या जिनका पेट क्लियर नहीं रहता है, ऐसे लोगों के लिए भी केला खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों केला में इतना ज्यादा फायदा है ना, उसके बारे में अगर 10 किताब भी लिखा जाए तो कम है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें।